इन दिनों जुलाना के बिजली घर में बिजली के बिल भरने के लिए काफी लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि वह हर बार अपना बिल भरते हैं, लेकिन अब की बार उनके जो बिल आए हैं वो इतने अधिक हैं जो बिल उनके सालों में भी नहीं आए। इस बार का बिल बिजली विभाग ने दिया है। बिजली विभाग में आने वाला हर कोई अपनी समस्या के लिए परेशान है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर अधिकारी भी नहीं मिलते, उन्हें बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं अपना बिल ठीक करवाने के लिए। जो बिल 2000 आना चाहिए उसी का लाखों में बिल दिया हुआ है, जबकि सब पिछले कई महीनों से हो रहा है। हर बार बिल ठीक करवा कर भरना पड़ रहा है। जब से ठेकेदार के अधीन मीटर की रीडिंग का काम हुआ है तभी से परेशानी बढ़ रही है, जिस कारण गलती सरकार करती है और परेशानी आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रही है। 1,47,000 रुपए का बिल आ रहा है जी, जिसकी 188 यूनिट कंज्यूम है सिर्फ मेरी, और ये लगातार 2 साल से हो रहा है। SDO साहब को भी गुहार लगा चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, सारे ऑफिस को भी कर्मचारियों को भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, हर महीने 2 साल से आ रहा हूँ और ये बिल ठीक करवाने के लिए, यही काम रह गया क्या हमारा? कब तक सुधरेगी सरकार हमारी? सर, जो ये एक TDS कंपनी है जो बिलिंग रीडिंग लेती है और बिल बांटती है, बार बार ये अपने जो वर्कर हैं, एम्प्लॉइज हैं, चेंज करते रहते हैं, और जो नए आदमी आते हैं वो ठीक से रीडिंग नहीं ले पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी रीडिंग इन्होंने गलत ले रखी है, इसकी वजह से बिल गलत आए। हमने हायर अथॉरिटी को बार बार इन्फॉर्म कर दिया है, नियमानुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए जुलाना से राजेश रावल की रिपोर्ट।